आज 15 विपक्षी दलों के नेता पहुंचे हैं पटना। पटना में कई घंटों का मंथन हुआ है बंद कमरे में। कैसे विपक्षी दल एक साथ मिलकर बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव में हराएं, क्या कॉमन एजेंडा हो, क्या वहां पर रणनीति हो, इन सब पर मंथन हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सामने अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव आपको दिख रहे हैं, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, लालू यादव, शरद पवार, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ये तमाम विपक्ष के नेता आज वहां पहुंचे और वहां उन्होंने बंद कमरे में कई घंटों तक मंथन किया। उसमें कई बातें भी सामने आई, जैसे अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया और कहा कि अध्यादेश जो केंद्र सरकार का आया है दिल्ली के खिलाफ उस पर बात होनी चाहिए। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने कहा कि सबको साथ मिलकर काम करना होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि सबको थोड़ा ईगो अपना साइड में रखना होगा। ये तमाम बातें जो सामने आई हैं ये बताती हैं कि विपक्षी दल अब यहां पर सामने आ रहे हैं, कैसे बीजेपी या कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उनके सामने सबसे बड़ा चेहरा है उसकी काट कैसे ढूंढें। मोदी वर्सेस ऑल के तौर पर आप देख सकते हैं। सूत्र यह भी बता रहे हैं कि इस बैठक में तय हुआ है कि नीतीश कुमार को इन विपक्षी दलों का कन्वीनर बनाया जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बस शुरू होने वाली है। आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख रहे हैं, आप उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को देख रहे हैं, केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी, तमाम नेताओं को, मनोज झा जो आरजेडी से, इनको आप देख रहे हैं। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकलकर सामने आता है, क्या विपक्षी दलों में वाकई में कोई सहमति बन पाई? जिस तरह से कहा जा रहा था कि क्षेत्रीय क्षत्रप कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने पर राजी नहीं है, क्या उसको लेकर कोई प्रोग्राम बन पाया? सुनिए, शुरू हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और आप जानते हैं आज कई पार्टियों की मीटिंग हुई और सब लोगों ने काफी देर तक अपनी बात इन्होंने रखी और अनेक पार्टियां थी, जैसे आप समझ लीजिए कि यहां पर तो मौजूद ही हैं माननीय राहुल गांधी जी भी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी और इनके अलावा और लोग भी आए थे और फिर जो यहाँ पर दूसरी ममता बनर्जी जी यहाँ पर मौजूद ही हैं, ये रही शरद पवार जी यहाँ पर मौजूद हैं ये भी, और मीटिंग में अरविंद केजरीवाल भी रहे, सब लोग मीटिंग में रहे और उनके साथ आए हुए थे भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, वो सब भी रहे और फिर वो श्रीमती महबूबा मुफ्ती जी जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं वो भी रहीं और श्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी रहे और फिर उद्धव जी ठाकरे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र वो मौजूद रहे और बाकी जो सब लोग हैं सीपीआई वाले श्री डी राजा जी, सीपीएम वाले श्री सीताराम येचुरी जी और माले के श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, ये सब और अनेक लोग यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद रहे और इसके अलावे हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जी और डीएमके के और भी उनके साथ आए थे डीआर बालू जी और ये अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद ही हैं उत्तर प्रदेश के और इसके अलावे अन्य लोग सब मौजूद रहे यहाँ, उनके साथ और लोग भी आए हुए थे और हम लोग तो दो यहाँ के तो थे ही और हाँ अन्य सीपीएम सीपीआई माले सब लोग का तो नाम बता ही दिए हैं, ये सब लोग रहे और सब अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी
करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा, कौन कहाँ लड़ेंगे क्या है सब चीज़ के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज़ जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज़ के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहाँ की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे, तो ये सब बात हो गई है। तो इसलिए हम तो सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। चूँकि हम लोगों ने बैठक बुलाई इसलिए हम शुरुआती तौर पर कह दिए, अब बाकी कहेंगे, अब बाकी सब आप पूछिए, सब लोग खुद भी कहेंगे। तो हम तो कहेंगे कि जरा सा राहुल गांधी जी से कि थोड़ा आप भी बोल दीजिए, और सब लोग से बोलिए थोड़ा, आप ही बोलिए ना, अच्छा रहेगा आप ही बोलिए। अच्छा ठीक, नीतीश जी, लालू जी, शरद पवार जी, ममता जी, राहुल गांधी जी और हेमंत सोरेन जी और हमारे अखिलेश भाई और तेजस्वी जी और सारे, क्षमा करना येचुरी जी, आप जरा कॉर्नर में बैठे इधर आए तो अच्छा रहता। तो सभी नेतागण मिले और जो नाम उन्होंने बताया कि स्टालिन साहब से लेकर यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे नाम बताए गए, उद्धव ठाकरे साहब भी यहाँ है, तो सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में, हाँ शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। तो हाँ 12 जुलाई बोलते ना, तो खैर हाँ ये तो टेंडेटिव है लेकिन 12-2 दिन में आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के और दूसरे, इसीलिए हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए, और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा, एक ही बात हर जगह नहीं चलती, तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रैटेजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस यूनिट को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे, एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं, तो उसमें हम जरूर कामयाब होंगे और उसके लिए मैं नीतीश जी का, क्योंकि उन्होंने होस्ट किया आज, उनका धन्यवाद करता हूं और सारे और बहुत से हमारे नेता, मैं अभी जैसा बोला कि स्टालिन वहां से आते तमिलनाडु से, तो उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहब उन्हों कश्मीर से आते, तो सारा देश इसमें जुड़ा है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए हैं वो पूरे लोग आए हैं नेता वहाँ से, तो ये
तो ये पूरा हम आगे करने का इरादा है। मैं ज़्यादा कुछ और नहीं कहता, जो कुछ कहना है उन्होंने कहा है, और आगे राहुल गांधी जी कुछ बात करें। बाद में पूछिएगा, सब बोल देंगे, इसके बाद बोल बाद में सब समर्थ है उत्तर देने को। सब पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ जो आए हैं उन सबका स्वागत, आप सबका स्वागत। नीतीश जी ने आज लंच में हमें बिहार के मतलब सब डिशेस खिला दी, लिट्टी चोखा, उनका स्पेशल गुलाब जामुन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आप जानते हैं हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे, और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे, मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये अब बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। आप सबका धन्यवाद। ठीक, बोलिए। अरे कुछ लोगों को प्लेन उनका तुरंत जाने वाला था, तब कुछ लोग चले गए कह के, लेकिन जितने लोग बचे हुए जिनको अभी तुरंत जाना है, नहीं नहीं पहले सब लोग बोल दे जो भी है और उसके बाद तो समय ज्यादा ना लगा इसके चलते। आज पटना में जो हमारा 17 पार्टी का मीटिंग हुआ है, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर भी है मीटिंग में आए हुए हैं, एक चीफ मिनिस्टर भी आए हुए हैं, बहुत अच्छा तरीका से मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। शरद जी का माफिक सीनियर लीडर भी आए, लालू जी बहुत दिन बाद पॉलिटिकल मीटिंग में उतरे, नीतीश जी मीटिंग कन्वीन किया है हम लोगों को रिक्वेस्ट करने का बाद, उसको बाद पहले मिला, राहुल जी आया, खड़गे जी आया, अखिलेश भाई आया, तेजस्वी है, हमारा हेमंत सोरेन जी है, दीपंकर भट्टाचार्य है, उमर है, महबूबा जी है, राजा है, सीताराम जी है, उद्धव ठाकरे है, शरद पवार जी है, और सारे बहुत सारे लीडर है। एक चीज हुआ पटना में मीटिंग, मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ पहले, आप लोगों को मालूम है, अमर कहने नहीं चाहती हूँ। इसी के लिए मैं कहा था दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला, अब पटना से शुरू करो। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है, तीन चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर वन, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पेट्रियोटिक है, हम भी देशोप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं, मणिपुर जलने से हमारा भी आग जलते हैं,
ऐसे हम लोगों ने हेतु तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चला रहा है, एट्रोसस्टेडिबल क्या नहीं किया। हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके जो मर्जी करते हैं। जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है, मीडिया को तो पूरा कंट्रोल किया है। और क्या चालाकी करते हैं चुपी रुस्तम का माफी, बहुत सारे लॉयर को कोर्ट में भेजकर कोई ना कोई केस कर हम लोगों के खिलाफ में कोई ना कोई सीबीआई होता है, नहीं तो ईडी होता है, नहीं तो पंचायत भी सीबीआई में होगा, ऐसा ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन बेरोजगारी के बारे में चिंता नहीं करते हैं, आम जनता के लिए चिंता नहीं करते हैं, इकोनॉमी इज टोटली डिस्ट्रॉयड इसका बारे में चिंता नहीं करते हैं, महिला को इज्जत लुटता है चिंता नहीं करता है, दलितों को खिलाफ में है चिंता नहीं करता है, 100 दिन का रुपया नहीं देता है, गांव का रास्ता का रुपया नहीं देता है, आवास योजना का रुपया नहीं देता है, यूनिवर्सिटी में मर्जी का माफिक बीसी रिक्रूट करते हैं, क्या नहीं किया है। इसके लिए जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को कहना है। इसी के लिए हम लोगों ने तीन चीज पे जोर दिया है, एक वी आर यूनाइटेड, दो वी विल फाइट टुगेदर, थ्री नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा, फोर्थ जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच, यू आर सो नाइस, आप लोगों ने हम लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया और आप लोगों ने पूरा मदद दिया। मैं तो इधर में बहुत इंटरनेशनल प्रेस भी है और लोकल प्रेस भी है, रीजनल प्रेस भी है, हॉट स्टेट का प्रेस भी है कि आज का मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। आई थिंक द हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम हियर, बीजेपी वॉन्ट्स द हिस्ट्री शुड बी चेंज एंड वी वॉन्ट हिस्ट्री शुड बी सेव्ड फ्रॉम बिहार। थैंक यू। कई हमारे साथियों ने इस मीटिंग में क्या हुआ और किस पर ध्यान दे दिया, ये सब बात आप सबको बताइए। आज देश में दिन ब दिन एक समस्या हम देख रहे हैं, जहाँ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है वहाँ भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, समाज की एकता हो तो ये कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों का, और इससे सामना करना हो तो मिलकर सामना करना चाहिए, बाकी कुछ ना कुछ मतभेद ये हो सकते हैं, मगर राज्य नेशनल इंटरेस्ट के लिए बाकी कोई भी आपस की समस्या हो वो नज़रअंदाज करकर हमने आगे जाने का तय किया है। अब मुझे विश्वास है कि पटना की जो शुरुआत है वो देश में बदलाव लाने की शुरुआत होती है। मुझे याद है जयप्रकाश जी के नेतृत्व पर एक संदेशा यहाँ से दिया और पूरे देश में एक अलग माहौल पैदा हो गया, कई आंदोलन यहाँ से देश में शुरू हो गए और देश के इतिहास में इसका स्वीकार किया गया। और आज की स्थिति में जो नीतीश जी ने मीटिंग बुलाई
और सब साथी यहाँ आ गए। इनमें से जो बातें हो गई, जो तय करने का इस पर हमने बहस किया, इसका आखिरी सिर सिंधिया के नसीब में हो जाएगा। और यहाँ जो मिलकर काम करने का तय किया है, इससे हमारा एक नया रास्ता दिखाने का काम शुरू हुआ है। अब मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता उसका समर्थन करेगी। सबसे पहले तो आज हम सब लोगों का यहाँ जमा होना मेरे ख्याल में नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। हम तो जम्मू कश्मीर से आए हैं, मैं और उमर साहब, और जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेकुलरिज्म पे अटैक हो रहा है, उसकी लेबॉर्टरी हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है। शुरुआत हमारे जम्मू कश्मीर से हुई और अब पूरे मुल्क में वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ। मगर हम इस आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जिस गांधी के मुल्क, जिस जवाहरलाल नेहरू के मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया है जम्मू कश्मीर में, वो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो जहां गंगा जमुना तहजीब है। तो आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो हम माइनॉरिटीज़ है, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए। और हमारे पास तो ज़्यादा ताकत नहीं है, जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं नीतीश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप देख रहे हो कि पूरे देश के प्रमुख नेता, पार्टी के प्रमुख नेता यहां आए हुए हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे इकट्ठा हुए हैं और सब ये भी जानते हैं कि हम अलग अलग पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ मतलब भिन्नता हो भी सकती है, लेकिन देश एक है। और इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। और इसके आगे जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा, उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। और जैसे ममता दीदी ने कहा, हमेशा यह कहा जाता है कि विपक्ष की एकता होगी कि नहीं होगी। मैं तो हमें अपने आप को विपक्ष तो मानता ही नहीं हूँ। हाँ, विपक्ष जरूर जो भी देशद्रोही है और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। और आज से शुरुआत हुई है, मुझे पक्का भरोसा है जब शुरुआत अच्छी होती है तो आगे सब कुछ अच्छा होता है। बाकी बातें तो बहुत दिन है, बीच में हम तो मिलते रहेंगे और आपके साथ बात भी करते रहेंगे। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, लीडर्स ऑफ 17 पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द कंट्री हैव मेट टुडे। वी डिस्कस्ड द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री। वी आर ऑफ द व्यू दैट द बीजेपी रूल फॉर द पास्ट 9 years has become disastrous and detrimental to our constitution, democracy and secular fabric of our society. When people of our country are passing through great ordeals and sufferings, what is emerging is communal corporate nexus. The government headed by Ms. Modi has been shamelessly taking the side of big business houses, corporate houses, and people suffer. And in the process,
they dismantle all the basic values of our constitution, basic values of our constitution, and they snatch away the powers of state governments, and the federal system of governance is under attack. In such a situation, the republic has to be reclaimed before it is lost, and in order to save the republic, reclaim the republic, we have all agreed, and we are of the strong view that BJP has to be defeated in the forthcoming elections. BJP will have to be removed from power in the 2024 Lok Sabha elections. That is the only way to save the nation, save the constitution, save the democracy, save the secular fabric of our society. This is what we have all agreed, and we will work together, and we will move together, we will fight together. Umar Abdullah sir. Umar Abdullah, hai, boli na. Former Chief Minister Jammu Kashmir. कामयाबी जनाब नीतीश कुमार को उसका श्रेय जाता है. इतने लोगों को इस तरह इकट्ठे करना कोई मामूली बात नहीं है, और मैं जानता हूं कि आप में से कईयों के लिए खबर ये नहीं होगी कि हम कितने पार्टियों के नुमाइंदे यहां बैठे हैं. शायद आप में से कुछ खबर इस चीज की बनाना पसंद करेंगे कि यहां पे कौन नहीं है. मुझे नहीं लगता है कि कौन नहीं है वो ज्यादा महत्व रखती है, बजाय ये कि कौन कौन यहां पे हैं. और बिल्कुल सही कहा, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया. मकसद हमारा ताकत हासिल करना नहीं है, इकतदार हमारी मंजिल नहीं है. सत्ता की ये लड़ाई जो है ये नहीं लड़ी जा रही है, ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है, ये इरादों की लड़ाई है, ये मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है. तो जैसे मैं कह रहा था, इस लड़ाई को सिर्फ इख्तदार की लड़ाई मत समझिए. हम मिल चुके हैं इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए, इस देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए, और सही माने में इस देश में जमहूरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए. मैं और महबूबा मुफ्ती साहिबा इस मुल्क के एक ऐसे बदनसीब इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां जमहूरियत का दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है. बड़ा अच्छा लगा कल अमेरिका में वजीर आजम साहब को जमहूरियत की बात करते हुए व्हाइट हाउस में. लेकिन उसके साथ साथ फिर अफसोस होता है कि ये जमहूरियत जम्मू कश्मीर तक क्यों नहीं पहुंचती.